वेलकम टू कंपटीशन चौक। आज हम कहानी के माध्यम से सीखेंगे, लाभ के रास्ते हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होते, आगे बढ़ने के लिए कई तकनीकें होती हैं। सफल वे होते हैं जो ढर्रे से अलग रास्ता अपनाते हैं। कहानी का शीर्षक है छिपा हुआ कौशल। बाजार में एक नए व्यापारी ने शक्कर की दुकान खोली। उसने बाजार भाव से कम मूल्य पर शक्कर बेचना शुरू किया। अन्य शक्कर विक्रेताओं को लगा कि ग्राहक बनाने के लिए वह शुरुआत में ऐसा कर रहा है। सभी व्यापारियों को पूरा विश्वास था कि थोड़े ही दिन में वह भाव बढ़ा देगा या फिर दुकान बंद कर देगा। एक के बाद एक उसके यहाँ ग्राहकों की कतार बढ़ने लगी। उसकी ग्राहकी बढ़ती गई। कई महीने बीत गए लेकिन उसने मूल्य नहीं बढ़ाया। उधर अन्य व्यापारियों के ग्राहक टूटते चले जा रहे थे। इसके साथ ही नए व्यापारी की दुकान बाजार में जम चुकी थी और उसकी आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही थी। बाजार में पुराने व्यापारियों को समझ नहीं आ रहा था कि नया व्यापारी लगातार कम मूल्य पर शक्कर बेचते हुए भी इतने लंबे समय से बाजार में कैसे टिका हुआ है। उसमें से कम मूल्य पर शक्कर बेच पाने का रहस्य किसी ने जानना चाहा। धीरे धीरे लोगों की जिज्ञासा और बढ़ती गई कि अब वे किसी भी तरह इस रहस्य को जान लेना चाहते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने दुकानदार से पूछ ही लिया, आप अन्य लोगों से इतने कम मूल्य पर शक्कर कैसे बेचते हैं? आखिर आप कमाते क्या हैं? क्या इससे आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ता? उस दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, अन्य लोग शक्कर से कमाते हैं लेकिन मैं बोरी से कमाता हूँ। हर खाली बोरी बेचने पर मेरे पास 50 रुपये बचते हैं। पहले मैं दिन में कुल 5 बोरी बेचता था और अब मैं 100 बोरी बेचता हूँ। यही मेरी छिपी हुई कमाई है।